अबाये वाली लड़कियां होती हैं और अबाये वाली लड़कियां बहुत गंदी गंदी हरकतें कर रही होती हैं आपका। कि भाई जो है वो मुसलमानों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो ये मुसलमानों के कौन से हित है? क्या सऊदी अरब वाले मुसलमान नहीं है क्या? रेड लाइट एरिया में चले जाएं, वो अबाया पहनकर ही मर्दों को बुलाती हैं। सऊदी अरब ने जो बोला है कि महिलाओं को जी कि आपको अपना हक है कि आप अपनी ड्रेसिंग क्या करेंगी कैसे करेंगी। सऊदी अरेबिया हैज बैन द वेयरिंग ऑफ द अबाया बाय फीमेल स्टूडेंट्स। दिस इज हैपनिंग इन अ कंट्री माइंड यू दैट हैज ओनली रिसेंटली अलाउड वुमेन टू ड्राइव अलोन। सऊदी अरेबिया से ये बोला जा रहा है कि सऊदी अरेबिया वहाँ की खवातीन वहाँ की विमेन जो चाहे वो पहन सकती है। इस बार विमेन इक्वल टू मैन एब्सोल्युटली We are all human beings and there is no difference. और औरतों को जो खास तौर पे टारगेट करते हैं कि औरत दिल लुभाती है मर्दों का, मेरा ख्याल है कि ये बहुत हमारी ये पाकिस्तानी मुआशरे की ही है जो है वो सोच है, और किसी मुस्लिम कंट्री में ऐसा नहीं होता। अब पाकिस्तान में जाहिलों की भरमार है। ये जो एक अंडरस्टैंडिंग मिडिल ईस्ट में है, जो बहरीन के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, सारा इस्लाम यहाँ पे आ गया है और वो जो है एक और लाइफ गुजार रहे हैं। सऊदी एक तरह से मुस्लिम कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड मर्द हैं वो कितने जाहिल हैं। एक तरह से ये एक अच्छी चीज भी है कि एक फ्रीडम टू चूज व्हाट यू वेयर, मतलब ये है कि भाई सऊदी अरब ने जो बोला है कि महिलाओं को जी कि आपको अपना हक है कि आप अपनी ड्रेसिंग क्या करेंगी कैसे करेंगी, वो अब सऊदी अरब की महिलाओं के हाथ में है। तो चलिए भाई देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी एक अरेबिक ड्रेसिंग पर पाकिस्तान में ऑलरेडी बवाल चल रहा है कि वो जो महिला थी उसने अरेबिक लैंग्वेज में ड्रेस के ऊपर लिखा था, कुछ लिखा था। जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी में भी लिखे जाते हैं, हिंदी में भी लिखे जाते हैं, जिस देश में जो भाषा चलती है उस हिसाब से चीज़ें प्रिंट की जाती हैं और उस पर लिखी जाती हैं। अब पाकिस्तान में जाहिलों की भरमार है, दिमाग से कम है, उन्होंने उसे समझ लिया कि जी ये तो कुरान की आयतें लिखी हैं, बस बवाल होगा। पढ़ना किसी को नहीं आया कि क्या लिखा है, बस अरबी में लिखा है तो जी कुरान की आयत ही होगी। बड़ा बवाल हुआ, बहुत बवाल मचा हुआ है पूरी दुनिया में। अब तो इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, ये इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है और पाकिस्तान की इमेज की धज्जियाँ उड़ रही हैं इस पूरे मसले के बाद। लेकिन मौलवियों को इससे क्या मतलब है? पाकिस्तान जाए भाड़ में। पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड मर्द हैं वो कितने जाहिल हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो बातों को समझते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोगों की संख्या जो है ना वो इस तरह के लोगों की है पाकिस्तान में, जो मतलब जाहिल बन चुके हैं बिल्कुल, उनको कोई मतलब नहीं है। अरे भाई आप समझो, अरेबिक एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में 50 चीजें लिखी जाती हैं, गालियां भी दी जाती हैं अरेबिक लैंग्वेज में, तो क्या आप गालियों को भी कहोगे कि नहीं अरे भाई साहब ये तो ऐसा कैसे हो गया? और आप जानने के बाद भी कि जी उस पर क्या लिखा हुआ है, उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं करेंगे, नहीं उस लड़की को नहीं पहनना चाहिए, बेचारी उस लड़की से माफी मंगवाई जिसकी कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं। यह है पाकिस्तान और यह मुद्दा पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। पता आपको, पाकिस्तानी इस मामले में उस्ताद हैं कि कैसे पाकिस्तान की छवि को खराब करना है, वो चाहे देश के बाहर रहें चाहे देश के भीतर रहें, वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। इस मामले में तो भाई उनका कोई जोर नहीं है, और निकाल ही लेते हैं कि पाकिस्तान बदनाम हो जाए। अब देखिए पूरे पूरे सोशल मीडिया पर पता नहीं कहां कहां के देशों में इसकी चर्चा हो रही है कि देखो पाकिस्तान में महिला के साथ क्या किया जा रहा है। सऊदी अरेबिया से ये बोला जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ये अनाउंसमेंट करने वाला है कि वहां की खवातीन वहां की विमेन जो चाहे वो पहन सकती है। सऊदी अरेबिया की विमेन का अपना डिसीजन होगा कि वो किस तरह की ड्रेसिंग करना चाहती है या वो क्या पहनना ओढ़ना चाहती है। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज लेंगे और उसी के साथ साथ कल पाकिस्तान में लाहौर की एक इलाका इचरा में एक वाकया रूनुमा हुआ है। पूरी दुनिया को इस बात का पता चल गया कि एक खातून के साथ यहाँ पर किस तरीके की बदतमीजी की गई। उस खातून की शर्ट पर हलवा लिखा हुआ था और उसको तमाम लोगों ने तमाम मर्दों ने घेर रखा था। ये बोला जा रहा था कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा और ये भी बोला जा रहा था कि चलो अपने कपड़े उतारो क्योंकि इस पर कुरानिक आयत लिखी हुई है, कुरानिक वर्सेस लिखी हुई है, लेकिन उस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। उस पर एक अरबी का वर्ड हलवा लिखा हुआ था जिसका मतलब है स्वीट, प्रिटी, ब्यूटीफुल। तो बढ़ते अवाम की जानिब, जहाँ सऊदी अरेबिया वुमेन को इतनी ज्यादा फ्रीडम दे रहा है कि वुमेन को पहले उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए, अब वो ये कहने वाले हैं, अब वो ये कहने जा रहा है कि औरतें जैसे चाहे ड्रेसिंग कर सकती हैं, रियासत का उसमें अमल दखल नहीं होगा।
वहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। बताएं कि आप भी लड़की हो, यहाँ पाकिस्तानी मुआशरे में आपको क्या जो है वो फेस करना पड़ता है यहाँ पर। मैंने तो ये भी देखा है कि अबाय वालियों के साथ रेप हो जाते हैं, मैंने तो ये भी देखा है कि बच्चियों के साथ रेप हो जाते हैं, मैंने तो ये भी देखा है कि मैं खुद भी अगर शॉल लेकर खड़ी हूँ तब भी दो चार लड़के रुक कर और रूटिंग करके जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उन्हें बस लड़की चाहिए जैसे भी लड़की होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर हम यहाँ पर पर्दा नाफिज कर भी दे ठीक है, लेकिन क्या फिर यहाँ की मेंटालिटी तब भी बदल सकती है? नहीं नहीं, उससे इस तरह के एक्शन से तो कुछ नहीं होगा जब तक माइंडसेट नहीं लोगों का बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी। है ना कि किसी को कुछ कहने की भी ना वो मतलब परमिशन ना दी जाए कि वो ऐसे देख रहा, वो ये कर रहा, वो कर रहा। ये हम लोगों ने अपना माहौल खुद ही ठीक करना है, किसी ने नहीं करना। अगर जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं ना करेंगे तो हमारा माहौल कभी भी नहीं ठीक होगा। लिमिटेड फ्रीडम लो वरना औकात से बाहर हो जाएंगी, इसका मतलब क्या था? ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। ये ऐसे है कि देखे ना, लड़कियों को सिंपल सी बात है, अगर लड़कियों को कहेंगे ना कि आप जीन्स और शर्ट पहन सकती हैं ठीक है, तो वो घर से जीन्स और शर्ट में पाया पहन के आ जाएंगी, तो जीन्स और शर्ट भी वो बिल्कुल ही वो पाँव से भी ऊपर कर लेंगी या लो शोल्डर पहन लेंगी। ये लड़कियों को होता है, अगर थोड़ी सी आज़ादी दी जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा समझती हैं। मैं खुद लड़की हूँ तो कई दफ़ा मैं बीच में से ऐसे ही समझती हूँ अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझे ऐसे कह दिया, अब मैंने ऐसे करना, मैं ज़्यादा करूँगी। देखिए लड़कियाँ हैं हम ठीक है, किसी ने वेस्टर्न पहना हुआ है, आप कल को मेरे सामने पैंट शर्ट पहन के आ जाओगे, मैं आपको जज नहीं करूँगी। मैं आपके करेक्टर को कैसे जज कर लूँ आपकी ड्रेसिंग से? मुझे क्या पता आप अल्लाह के साथ कितने कनेक्टेड हो। आप कल को अबाया पहन के आ जाओगे, मैं तब भी आपको जज नहीं करूँगी। मुझे क्या पता आप अबाया पहन के बीच में से क्या कर रहे हो, आप इस्लाम को मानते हो या फिर आपका करेक्टर कैसे। मैं आपको किसी भी तौर पे मैं आपको जज नहीं करूँगी, ये आपका और खुदा का मामला है। सही है, और सबसे बड़ी बात ही ये है कि हम लोगों को अपने करैक्टर के हवाले से किसी को परमिशन देनी भी नहीं चाहिए। कपड़ों से तो बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए ना कि वो करैक्टर कैसा है कैसा नहीं है, अल्लाह का वो आपका मामला है, आप जो मर्जी करें। बरिश साहब, हमने पहले भी आपके साथ इस टॉपिक पे बात की है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मिडिल ईस्ट में आई है वो हम वो नहीं हमारे यहाँ आ सकी या आ रही। बरिश साहब, फिर बात तो वही आ गई कि वहाँ पे वन मैन रूल है और ऐसे लगता है कि वन मैन रूल इज परफॉर्मिंग मच मोर बेटर देन दिस मल्टी पार्टी रूल इन पाकिस्तान। तो इसमें ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि मिडिल ईस्ट में तो इस तरह के जो ड्रेस हैं वो बिक सकते हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं बिक सकते, ब्रिसब ये हमारी जो पॉलिटिकल क्लास डरपोक है, फैसले नहीं कर सकती, मजहबी जुनूनियों के आगे हम बेबस हैं, या कि ये हमारे आड़े सामने पॉलिटिक्स आ गई है, या कि जहालत आ गई है कि हम मिडिल ईस्टर्न लीडरशिप जिस तरह ट्रांसफॉर्म हो गई है हम उस तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, जिस तरह उन्होंने अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आवाम की है हम वो नहीं कर सकते। हाउ डू यू सी दिस? नहीं, ये जो तीनों चारों फैक्टर आपने गिने हैं जी, इसमें हुक्मरान तबका भी बुजदिल है, लीडरशिप भी है, एक्टिविस्ट भी हैं, जो रोल वो प्ले कर सकते हैं वो नहीं करते। लेकिन ये जो आपने अनवर मकसूद की मिसाल दी सोशल मीडिया पे, तो आए दिन आप देखें, आज भी मैं एक देख रहा था जिसमें किसी ने लिखा हुआ था कि सऊदी अरब जो है वो पेरिस बनने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब बनने की कोशिश कर रहा है।